स्टूडेंट्स देखो, हमारे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम लोगों ने अभी तक इंटरनर्जी को कवर किया था। लास्ट क्लास में बात की थी कि इंटरनर्जी क्या होती है, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं। तो दो चीजें की थी कि डिफाइन करने का तरीका अलग होता है और कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। तो हम लोगों ने इंटरनर्जी के अंदर चेंज कैलकुलेट करना सीखा था। ये हमने सीखा था कि इंटरनर्जी कैसी प्रॉपर्टी, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और साथ ही साथ ये कैसा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पाथ फंक्शन है। हाँ, स्टेट फंक्शन हम इसके अंदर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज डेल्टा यू। फिर हम लोगों ने डेल्टा यू का फॉर्मूला भी सीखा था। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिस्टम के लिए हम इंटरनर्जी को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मैंने आपको बहुत ही अजीब सा फॉर्मूला भी सिखाया था, दैट वॉज यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या था बताओ? हाँ, स्मॉल चेंज इन यू विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन वी एट कॉन्स्टेंट टी इन टू डी वी प्लस, वेरी गुड, टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इन टू डी टी। ठीक है, फिर इसको हमने ट्रांसफॉर्म किया था। हमने तीन चीजों के लिए बात की थी। एक तो हमने बात की थी किसके लिए, आइडल गैस के लिए। तो बताओ, आइडल गैस के लिए हमने क्या कहा था? तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट थोड़ी होता है। आइडल गैस के लिए क्या होता है, ये वाला टर्म क्या हो जाता है, जीरो। क्यों? क्योंकि आइडल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। वो वॉल्यूम का फंक्शन होती नहीं है। तो अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो ये टर्म क्या होगा आपका, जीरो। और फिर हमने डिराइव किया था, हमने बोला था कि डी यू का जो फॉर्मूला बनता है एन मोल्स ऑफ गैस के लिए क्या बनता है, एन सी वी डी टी। और अगर आपको ओवरऑल चेंज निकालना है तो आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करोगे और ये किसके इक्वल आएगा, एन सी वी इंटू डेल्टा टी, या फिर आप डेल्टा डी को लिख सकते हो टी टू माइनस टी। फर्दर जब हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए बात की थी तब तो हमने क्या बोला था कि भाई जब आपके सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं, सिंस ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं तो किसी भी प्रोसेस में इनका वॉल्यूम ऑलमोस्ट क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। तो इनके ऊपर हमेशा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन वैलिड होती है, और उस केस में हम डी वी को कितना लिख सकते हैं, जीरो। जैसे हम डी वी को जीरो लिखेंगे, बताओ फिर से डी यू का फॉर्मूला क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एन सी वी टी टी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आइडल गैस के लिए तो सीवी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए सीवी टेम्परेचर पर डिपेंड कर सकता है। अब आपको क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा। अगर सीवी इंडिपेंडेंट है तो हम इसे बाहर निकाल लेंगे, और अगर सीवी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो उस वैल्यू को यहां रख के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट जो चीज हुई, जो कंक्लूजन था, वो सिर्फ इतना सा था कि यही डेल्टा यू का फॉर्मूला है। 90% केसेस में आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे, 99 बोला था लास्ट क्लास वैसे मैंने, बट हाँ अब हम दोनों को इंक्लूड कर ले तो 90% केसेस में दोनों के लिए ही ये फॉर्मूला काम में आएगा। बाकी 10% केसेस में आपको इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। तो हम आगे चलेंगे, जब हम न्यूमेरिकल पार्ट में एंटर करेंगे तो ये चीजें भी मैं आपको यूज करके सिखाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट आज हमें बात करनी है किसके बारे में, रियल गैस के बारे में। भाई आइडल के लिए कर लिया, सॉलिड लिक्विड के लिए लिया, अब बात करते हैं रियल गैस के बारे में कि रियल गैस के लिए हम कैसे चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमें फॉर्मूले डिस्कस नहीं करने हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, और आपको सिर्फ अभी एक चीज का साइन डिस्कस करना है। तो देखो, हेडिंग डालो अपना, शायद ये थर्ड पार्ट होगा, दैट इज फॉर अ रियल गैस। ठीक है, तो चाहे कोई सा भी सिस्टम हो, चाहे आइडल गैस हो, चाहे रियल हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, जो चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला है डी यू, वो किसके इक्वल है, डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इंटू डी वी प्लस डेल यू बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी इंटू टी टी बनेगा। हमें बेसिकली डिस्कस करना है इस टर्म को, तो ये जो आपका टर्म है ये क्या है, डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। इस टर्म का रियल गैस के लिए अलग अलग कंडीशंस में साइन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो साइन क्या होगा, बस आपको ये पता ना, मतलब याद रटना नहीं पड़ेगा आपको, जो याद रखने की चीज़ बहुत आसान है, पर आप पहले समझो इस टर्म का साइन आपको पता होना चाहिए अलग अलग कंडीशंस में। तो हम इसके साइन को डिस्कस करने, इसके साइन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बहुत छोटी सी चीज़ डिस्कस करता हूँ, आई होप ये शायद आप लोगों को आती होगी, नहीं आती हो तो कोई बात नहीं, आप इसे ध्यान रखना। देखो, जब भी कभी किसी सिस्टम में अट्रैक्शन फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, तो बताओ सिस्टम की एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी या फिर कम होगी, ऐसी नहीं बात कर रहे अपन, ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे चार पांच पार्टिकल है मेरे पास, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं,
रिपल्शन के ऊपर। तो बताओ इस सिस्टम की एनर्जी पे आप क्या कमेंट कर सकते हो? इंक्रीज होगी, क्यों? तो हम ये बात थोड़ी ना कर रहे हैं कि हमें अलग करने के लिए एनर्जी चाहिए, हम तो सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहे हैं। बढ़ेगी कम होगी? क्यों? हाँ, वेरी गुड। बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे ये पांच मॉलिक्यूल में अट्रैक्शंस हैं और यहीं पे ये पांच मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस हैं। बताओ कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा? कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा? जहां अट्रैक्शंस हैं, तो जहां अट्रैक्शंस हैं वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल है। और यहां पढ़ते हुए जो सिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? उतनी ही कम। जो सिस्टम जितना कम स्टेबल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा। ये चीज आप वैसे फिजिक्स में सीखते हो, आपने वर्क पावर एनर्जी पढ़ लिया है, वहां पर आपने सीखा होगा कि जब भी कभी अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से सिस्टम की एनर्जी कम होती है और रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से हमेशा क्या होते हैं, सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अट्रैक्शन डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम और जो रिपल्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ सिस्टम। पहली चीज तो आप ये ध्यान रखें, जहां पर भी अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे वहां सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, और जहां पर भी रिपल्सिव फोर्सेस काम कर रहे होंगे वहां पर सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। बोले यहां तक कोई डाउट है? ये समझ में आता है अपने को? अब हम बात करते हैं रियल गैस की। बताओ रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस होता है? उसके अलावा प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक। मैंने लास्ट क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी रियल आइडियल गैस की। भूल गए, बस पन्ने पलटते रहो। हाँ जी, और बोले हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही तो थी। चीख चीख के बोलता मैं इन चीजों को, इन पर ध्यान रखा करो भाई। एक आइडियल गैस की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होता है और ना ही कोई रिपल्शन होता है। लेकिन अगर आप एक रियल गैस की बात करो तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शंस भी होते हैं, रिपल्शंस भी होते हैं। अब कंडीशन ये होती है कि अट्रैक्शंस डोमिनेट कर रहे हैं या फिर रिपल्शंस डोमिनेट कर रहे हैं। तो अब हमको केस बना के डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें हम केस वन बना रहे हैं, केस वन, व्हेन अट्रैक्शंस डोमिनेट। तो हम एक रियल गैस की बात कर रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि जब अट्रैक्शंस डोमिनेट करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब अट्रैक्शंस डोमिनेट करने के बाद भी हम यहां पर दो केसेस और बनाएंगे। ठीक, एक या तो आपकी गैस एक्सपैंड हो रही हो या फिर आपकी गैस क्या हो रही हो, कंप्रेस हो रही हो। ठीक है, अभी आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, मैं जो कह रहा हूँ चुपचाप आपको समझते हुए चलो कि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए। जो रिजल्ट है वो बहुत आसान है, बहुत आसान, और बिना याद करवाए भी वो आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलो इसके बाद मैं बात लेकर चलता हूँ वापस से केस नंबर फर्स्ट, एक्सपेंशन। गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो अपन एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं एक्सपेंशन को डिनोट करने के लिए। ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में हम क्या करते हैं, एक पिस्टन फिट कर लेते हैं और यहां पर गैस फिल कर देते हैं। तो ये आपने गैस फिल कर दी। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप समझोगे तो अब कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ये जो गैस आपने यहां पर फिल की है, बताओ इस गैस में कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं? अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, जब गैस को एक्सपैंड कर रहा हूं तो बताओ पिस्टन किधर मूव करेगा, बाहर की तरफ। ठीक है, तो मान लो ये आपका पिस्टन मूव करके यहां कहीं आ गया, इस तरह से आ गया। तो बताओ जैसे पिस्टन बाहर आएगा, बताओ ड्यूरिंग एक्सपेंशन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ठीक, तो हम सिंपल से बात बोल सकते हैं कि जब एक्सपेंशन होगा तो बताओ गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगा।
बताओ गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस भी क्या होगा, वही बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये, मतलब जो स्पेस है या डिस्टेंस बोल लेता हूं रादर में, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स दिस ऑल्सो इंक्रीजेस होगा। बता दो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेंगे या कम होंगे, सोच समझ के आंसर देना। बताओ ये मॉलिक्यूल यहां थे और अब यहां पहुंच गए, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली कम ही होगा। तो आपने सीखा ही इसमें, मतलब हेजिटेट मत हुआ करो जब मैं ऐसे बोल दूं कि सोच समझ के आंसर देना, वो मैं आपको फंसाता हूं ऐसे ही। तो मॉलिक्यूल्स के जो डिस्टेंस बढ़ रही है तो ऑब्वियसली बात है अट्रैक्शन क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। मेन चीज है कि अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, बोले यहां तक कोई डाउट? अब आप मुझे बताओ एक सिस्टम में अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो उसकी एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। क्यों बढ़ रही होगी, हमने बोला कि जब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो जब अट्रैक्शन खुद कम हो रहा होगा तो बताओ सिस्टम की एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, वो बढ़ रही होगी। बोलो समझ में आ रही है बात, इस चीज में डाउट है कोई आपको? तो सिंपल सा फंडा है कि अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी इंक्रीजिंग होगा। और बताओ अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो DU का साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, DU की जगह डेल यू लिख लेता हूं, पॉजिटिव आएगा भाई, बढ़ रही है ना एनर्जी, अगर बढ़ रही है तो डेल यू का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अच्छा एक और चीज, ड्यूरिंग एक्सपेंशन वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बताओ डेल वी का साइन कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव, डेल वी। ठीक है, हमें किस चीज का साइन देखना है बताओ, हमें साइन देखना है डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। तो देखो जब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं और आप एक्सपेंशन करवा रहे हो तो डेल यू भी पॉजिटिव है, बताओ डेल वी भी पॉजिटिव है, इसका मतलब यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी विल बी पॉजिटिव ड्यूरिंग एक्सपेंशन। समझ में आ रहा है, तो एक्सपेंशन के टाइम पर डेल यू अपॉन डेल वी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, जब जब कौन से फोर्स डोमिनेट कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। छापे, फिर बात करते हैं सेकंड केस की, जब क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। चलो फिर देखते हैं सेकंड केस, दैट इज कंप्रेशन, कि कंप्रेशन में क्या होगा। वैसे तो आप साइन खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हो लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। तो कंप्रेशन के लिए फिर से हम सिलेंडर बनाते हैं, उसमें पिस्टन लगाते हैं और गैस फिल करते हैं, सारे काम सेम ही करने पड़ेंगे। तो ये लग गया पिस्टन और ये गैस कहाँ गई, ये रही, और ये भर गई आपकी गैस। हाँ जी, अब बताओ जब केस तो वही कि अट्रैक्शन फोर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं ना, तो यहां पर अभी भी कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, अट्रैक्शंस ही काम कर रहे हैं। अब बताओ जब अट्रैक्शन कंप्रेशन होगा तो पिस्टन अंदर की तरफ मूव करेगा, बताओ गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि भाई ड्यूरिंग कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीजेस, बताओ वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल वी का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। चलो ठीक है, अब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल डिक्रीज, सही है। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो एनर्जी का क्या होगा, सॉरी अट्रैक्शंस का क्या होगा, हम अट्रैक्शंस की बात कर रहे हैं ना। तो अभी इतने डिस्टेंस पे अट्रैक्शन काम कर रहे थे, डिस्टेंस और कम होगी तो अट्रैक्शंस क्या होंगे, और बढ़ेंगे, मतलब रिलेटिवली अट्रैक्शंस क्या हो चुके होंगे, ज्यादा। मैं ऐसे बोल सकते हैं कि अट्रैक्शंस विल इंक्रीज। अब बताओ जब अट्रैक्शंस बढ़ते हैं तो सिस्टम की एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एनर्जी विल डिक्रीज। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो डेल यू का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा।
कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक, तो बस अब आपने क्या कर लिया है, ये देख लिया कंप्रेशन के टाइम पर डेल वी नेगेटिव है, डेल यू नेगेटिव है। बताओ फिर से डेल यू अपॉन डेल वी का साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैसा हो गया पॉजिटिव। इसका मतलब डेल यू अपॉन डेल वी विल बी पॉजिटिव ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑल्सो। तो काम की बात छोटी सी, देखो जब तक आप लेक्चर में हो ना, 5 मिनट हो 10 मिनट हो, क्या होता है अभी आप 5 मिनट को सीख रहे हो, तो उस टाइम यहीं पर रहो, अपने दिमाग को खाली कर लिया करो, इधर उधर नहीं जाना चाहिए दिमाग बिल्कुल भी। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फटाफट से आंसर आना चाहिए आपका, तो बिल्कुल खोके देख, कोई काम कर रहे हो खोके करो, पढ़ना मत करो, सिंपल सी बात है। तो आप चाहे मैं 5 मिनट कोई कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करो, तो बिल्कुल उसमें खो जाओ, एक्चुअली देखो कि उसमें क्या क्या चल रहा है, खुद से फील करने की कोशिश करो, तभी वो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आप सरफेस सरफेस से चलोगे, हाँ मैंने बता दिया आपने देख लिया, तो फिर उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है। मैं जितनी चीजें आपको एलाबोरेट करके बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझा रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि एक बार आपको उसकी फील आ जाए तो आप उसको आगे तक यूज कर पाओगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना सा है कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, तो चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इस टर्म का साइन हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, बोला आएगा। क्या आप रिपल्शन के लिए प्रिडिक्ट कर सकते हो? अगर अट्रैक्शन के लिए चीज हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो रिपल्शन के लिए हमेशा कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव। क्या जरूरी है, चलो देखते हैं नेगेटिव आती है या फिर नहीं आती है। तो देखो केस टू, व्हेन रिपल्शंस डोमिनेट, ठीक, जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं तब क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फिर से दो केस बनाओ, पहला केस एक्सपेंशन का, ठीक है। अब देखो कहानी सेम है, से करते हैं दोनों को साथ में ले लेते हैं, ज्यादा बड़ा कॉलम बनाने लिखना तो सारा ही पड़ेगा, खैर चलो देख लेते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, बना चुके हैं। बताओ जब एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। तो ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होगा, वॉल्यूम विल इंक्रीज, ठीक है। अब बताओ जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेल वी का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो डेल वी तो हो गया पॉजिटिव, सही है। आगे बताओ डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स विल इंक्रीज, सही है। बताओ मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ना चाहिए, क्या होता है बढ़ेगा या नहीं हो, बढ़ेगा, ये होता है आंसर। तो चाहिए तो फिर वही डिलेमा आ गया ना कि मुझे समझ भी नहीं यार, सिंपल सी बात है। हाँ कमी तो होगा यार, दो चीजें ये रखी इनके बीच में रिपल्शन है, तो मैं इनको दूर कर दूं तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसमें थोड़ा इतना सोचना पड़ेगा है। तो बताओ रिपल्शन क्या होगा, रिपल्शन विल डिक्रीज, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है। अब सोच समझ के आराम से आंसर दे दिमाग लगा के, बता दो रिपल्शन बढ़े डिक्रीज होगा तो एनर्जी पर क्या होगा, एनर्जी भी डिक्रीज होगी, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि जब रिपल्शन ज्यादा होता है तो एनर्जी बढ़ती है, हमने क्या बोला जब रिपल्शन डोमिनेट कर रहा है सिस्टम में तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जो रिपल्शन कम हो रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम। आप ना उसको ऐसे रिलेट करो, दो लोग हैं जिनमें लड़ाई है बहुत तेज, कट्टरदानी दुश्मन है दोनों, दोनों पास पास बैठे हैं तो ऑब्वियसली लड़ेंगे चिल्लाएंगे, जब दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन कम हो गया तो उनकी जो लड़ाई है वो भी क्या होती जाएगी, कम। तो सिंपल सा बंदा है, जैसे जैसे रिपल्शन कम होता जाएगा सिस्टम की एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और बताओ अगर एनर्जी बढ़ेगी तो डेल यू का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, सॉरी एनर्जी विल डिक्रीज, क्या बोला, तो डेल यू का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी भी सिस्टम की क्या होगी, कम। जब रिपल्शन बढ़ेंगे तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो रिपल्शन कम हो रहा है, एनर्जी कम होगी, डेल यू का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। अब आप देखो मुझे ढूंढना है डेल यू बाय डेल वी का साइन,
डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी। तो आप देखो यहाँ पर डेल वी यू तो है नेगेटिव और डेल वी कैसा है पॉजिटिव, तो बताओ ओवरऑल टर्म का साइन कैसा आ जाएगा नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो जब एक रियल गैस के लिए आप कंप्रेशन करवा रहे हो और एक्सपेंशन करवा रहे हो, रिपल्शन डोमिनेट कर रहे हैं, तो डेल यू बाय डेल वी का साइन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? तो हम बनाते हैं सेकंड केस, जब क्या हो रहा होगा, कंप्रेशन हो रहा होगा। तो आओ देखते हैं कंप्रेशन के टाइम क्या होगा। हाँ जी बताएं, कंप्रेशन के टाइम वॉल्यूम क्या होगा? ठीक, तो जब हम कंप्रेशन की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम विल डिक्रीज होगा। अब बताओ वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेल वी का साइन कैसा होगा? नेगेटिव, सही है। बताओ वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होगी? डिस्टेंस विल डिक्रीज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। बताओ डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो रिपल्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेगा, रिपल्शन विल इंक्रीज होगा। बताओ रिपल्शन बढ़ेगा तो सिस्टम की एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो सिस्टम की एनर्जी विल इंक्रीज। और बताओ जब एनर्जी बढ़ेगी तो डेल यू का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। फिर से देखो यहां डेल यू का साइन कैसा? पॉजिटिव। यहां पर डेल वी का साइन कैसा? नेगेटिव। इसका मतलब अगेन डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी जो होगा वो फिर से कैसा होगा? नेगेटिव। बोलो समझ में आ रहा है? तब जब रिपल्शंस डोमिनेट करें तो जो हमने प्रिडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही है। जब अट्रैक्शंस डोमिनेट करते हैं तो चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो चाहे कंप्रेशन हो रहा हो, इस टर्म का साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जब रिपल्शंस डोमिनेट कर रहे हैं तब चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इस टर्म का साइन हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव। तो जो याद रखने वाली बात है वो बिल्कुल छोटी सी है कि ये जो मेरा टर्म है डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी विल बी पॉजिटिव व्हेन अट्रैक्शंस डोमिनेट्स, वट एवर बी द प्रोसेस, आइदर इट इज एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इट डजेंट मैटर। और सिमिलरली इट वुड बी नेगेटिव व्हेन रिपल्शन डोमिनेट्स। केस चाहे एक्सपेंशन का हो, केस चाहे कंप्रेशन का हो, इस टर्म का साइन फिक्स रहेगा। अगर अट्रैक्शंस डोमिनेट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है, रिपल्शंस डोमिनेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव है। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है, वो सब आपको समझाने के लिए था। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो अगेन अगर मैं समराइज करूं तो आपको चेंज इन एनर्जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज एन सी वी डेल्टा टी फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, और कुछ केसेस में आपको NCVDT को इंटीग्रेट करना पड़ सकता है। कॉपी करो, एक दो छोटी मोटी बातें और करनी है इसके बारे में, फिर हम मूव करेंगे अपने दो अगले टर्म्स पे, दैट इज हीट एंड वर्क क्या होते हैं, कैसे उन्हें कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह। आप ये बॉक्स कॉपी करें और बस इसे ही याद रखें। हो गया? चलो एक बहुत छोटी सी और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ एक और याद रखनी है आपको, और वो इसको हम आगे दोबारा एक और बार प्रूव भी करेंगे जब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे। ठीक है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था कि अगर आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी किसी गैस की CM है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था हीट एक्सचेंज का। याद है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। NCM इंटू डेल्टा टी। ठीक है? अब अगर हम बात करें कि मुझे किसी गैस की मोलर हीट कैपेसिटी पता है, मोलर हीट कैपेसिटी ध्यान से सुनना, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो बताओ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर CM को हम लोग क्या लिखते हैं? CV। तो बताओ इस केस में अगर मैं आपके सामने फॉर्मूला पूछू हीट एक्सचेंज्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम,
कौन सा वॉल्यूम? कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम जो हीट एक्सचेंज करेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाँ वेरी गुड, वो क्या बन जाएगा? एन सी वी डेल्टा टी। अगर हम दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालें, ये एन सी वी डेल्टा टी किसका फॉर्मूला होता है? इसका डेल्टा यू, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, बोलो होता है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो देखो मेरे पास एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, दैट इज हीट एक्सचेंज्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, जिसको मैं क्यू वी बोल रहा हूं। बताओ हमेशा किसके इक्वल आएगी? डेल्टा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अपने बहुत ज्यादा काम में आएगा। कई बार अगर आपको चीज पता है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगा पाओगे। तो कभी भी कोई सिस्टम कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज करेगा, बताओ वो हमेशा किसके इक्वल होगी? उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी। तो एक चीज तो मैंने ये फॉर्मूले से प्रूव कर दी है, नेक्स्ट इसको मैं दोबारा प्रूव करके दिखाऊंगा आपको जब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेंगे। बोले यहां तक समझ में आता है? तो ये था अपना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जिसका नाम था इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बाद अब हम मिलने वाले हैं हीट और वर्क से। आओ मिलते हैं। क्या होती है हीट, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है वर्क, कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो आप हेडिंग डालें हीट एंड वर्क, और मैं उसमें सबसे पहले आपसे डिस्कस करने वाला हूं हीट, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन, हीट क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था हीट और वर्क दोनों ही क्या है? मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सिंपल, इट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी दो ही फॉर्म्स में ट्रांसफर हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। सेकंड, चलो सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, बताओ हीट क्यों फ्लो होती है? अच्छा कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्यों? से हीट, हीट कहां से कहां फ्लो होती है? तो पढ़ाई होगा बचपन से लेकर आज तक। क्या हायर अरे हीट कहां से कहां फ्लो होती है? हाँ तो फिर हीट कहां से कहां? हाई टेम्परेचर से हमेशा कहां फ्लो होती है? लो टेम्परेचर में, गर्म चीज से ठंडी चीज में तो जाती है हीट हमेशा। तो क्या होता है? हीट फ्लोज, बेसिकली हीट फ्लोज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये तो बेसिक चीज है जो आपको पता ही होंगी, वो तो रिकॉल नहीं हुई एकदम से, मैंने पूछ लिया इसलिए। देखो यही होता है पेपर में भी, हमें आता तो बहुत कुछ है लेकिन जब एकदम से कुछ पूछ लिया जाता है, ये चीज आपको आती है, मैं नहीं कह रहा आपको नहीं पता है, लेकिन एकदम से पूछ लिया तो हमारे यहाँ बोलते क्या बोलते हैं, कंफ्यूज से हो गया आप थोड़ा सा ना, क्या पूछ लिया एकदम से। खैर ये भी आप जानते हो कि हाई टेम्परेचर से कहाँ फ्लो होती है हीट हमेशा? लो टेम्परेचर पर। तो वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये चीज़ है कि मैंने आपको ये फॉर्मूले सिखाए थे। देखो हीट एक्सचेंज्ड, कोई भी सिस्टम जो हीट ले रहा है या फिर दे रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो हीट एक्सचेंज को मैं बोलता हूँ क्यू। मैंने आपको तीन तरह की हीट कैपेसिटी सिखाई थी, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। एक तो सिखाई थी मैंने सी, एक मैंने सिखाई थी एस, और एक मैंने सिखाई थी सी एम। बताओ जब आपको हीट कैपेसिटी पता होती है तो आप हीट एक्सचेंज कैसे कैलकुलेट करते हो? सी इंटू डेल्टा टी। वेरी गुड, ये फॉर्मूला आपको याद रखनी बस, है ना। जब सिर्फ हीट कैपेसिटी पता है तो आपको मोल्स वोल्स नहीं देखने, मास नहीं देखना, सिंपल डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करना है। बताओ जब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता है तब आप हीट कैसे कैलकुलेट करते हो? एम एस डेल्टा टी, अभी कहाँ गया एन सी डेल्टा टी। और जब आपको मोलर हीट कैपेसिटी पता है तब आप हीट कैसे कैलकुलेट करोगे? एन सी एम इंटू डेल्टा टी, याद है ना। तो ये फॉर्मूले अभी आपके काम नहीं आएंगे, इस चैप्टर में आगे चल के काम में आएंगे। मैं तो बार बार दिखा इसलिए रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि कब कौन सा टर्म दिया है, कब कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है। बोले यहाँ तक समझ में आता है? अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, दैट इज साइन कन्वेंशन, और वो साइन कन्वेंशन आपको पहले से ही आता है। बताओ कोई सिस्टम जब हीट रिलीज करता है तो आप हीट का साइन कैसा लेते हो? अच्छा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? उसके लिए आप डेल्टा एच का साइन क्या लेके चलते हो? नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है।
चलो तो हम बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशन की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इस पूरे टॉपिक में याद यही रखना है, और ये तीन फॉर्मूले तो मैं आपको याद करवाई दूंगा। साइन कन्वेंशन भी यूज करते करते वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो देखो, हम बोलेंगे कि सिंपल, अगर हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, तो रिलीज्ड बोल दे, रिजेक्टेड बोल दे, बताओ वो हमेशा क्या साइन रखेगी, नेगेटिव। और हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, उसका साइन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ये दो आपके साइन कन्वेंशन है जो आपके सबसे ज्यादा यहां पर काम में आने वाले हैं। कॉपी करें, फिर हम बात करते हैं वर्क, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका भी एक फॉर्मूला ही बनाओगे, उस पर हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो चलो ये आप कॉपी कर लो, फिर हम शुरू करते हैं वर्क के साथ कि वर्क क्या होता है, कैसे हम उसे कैलकुलेट करते हैं। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट वर्क डब्ल्यू। एक तो जैसे हीट और मोड ऑफ ट्रांसफर एनर्जी है, सेम वैसे ही वर्क भी क्या है आपका, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक, अब देखो, अब हम जब वर्क की बात करेंगे ना, तो यहां केमिस्ट्री में आप दो मेन तरह के वर्क की बात करते हो, मतलब जरूरी केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी वही दो तरह के वर्क होते हैं मेनली, बट हम लोग यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे, इसलिए हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करें। एक तो होता है आपका नॉन पीवी वर्क, कैसा वर्क होता है, नॉन पीवी वर्क, और दूसरा कौन सा वर्क होता है आपका, पीवी वर्क। तो कोई भी सिस्टम बेसिकली दो तरह के वर्क परफॉर्म कर सकता है, एक पीवी वर्क और एक नॉन पीवी वर्क। अगर आप टोटल वर्क की बात करो, जो टोटल वर्क हम कभी भी बोलेंगे तो वो किसके इक्वल होगा बताओ, डब्ल्यू पीवी प्लस W नॉन पीवी के बराबर होगा। ठीक है, अब ठीक है भाई, क्या होता है पीवी वर्क, क्या होता है नॉन पीवी वर्क, तो देखो नाम से पता लग रहा है। पीवी वर्क में क्या होता है, किसी प्रेशर के अगेंस्ट गैस का वॉल्यूम या तो बढ़ता है या फिर क्या होता है, कम होता है। तो जब किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम चेंज हो तो उसको हम कौन सा वर्क बोलते हैं, पीवी वर्क। जहां पर किसी प्रेशर के अगेंस्ट कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी वर्क हो रहा है, उसे हम कौन सा वर्क बोलेंगे, नॉन पीवी वर्क। तो अगर मैं आपको नॉन पीवी वर्क का एग्जांपल दूं, तो जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क में क्या होता है, एक चार्ज एक गिवन पोटेंशियल की वजह से मूव करता है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू वी। तो ना तो यहाँ कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ना ही यहाँ पे कोई प्रेशर अप्लाइड है। ग्रेविटेशनल वर्क MGH, बताओ इस चौक को मैं इस हाइट से इस हाइट तक ले जाऊं, कौन सा वर्क होगा, ग्रेविटेशनल वर्क होगा। क्या इस चौक का वॉल्यूम बदला, क्या इसके वॉल्यूम एक्सपेंशन कंप्रेशन कुछ हुआ, नहीं हुआ ना। तो इस तरह के वर्क को हम लोग कौन सा वर्क बोलते हैं, नॉन पीवी वर्क बोलते हैं। वहीं पर जब किसी प्रेशर के अगेंस्ट गैस का वॉल्यूम बदलेगा तो उस वर्क को हम कौन सा वर्क बोलेंगे, पीवी वर्क बोलेंगे। बोलो यहां तक बात समझ में आती है। अभी हम लोग इनिशियली क्या कर रहे हैं, हम यहां पर डिस्कस क्या करेंगे, पीवी वर्क को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम जो वर्क यूज करेंगे वो हम कौन सा वर्क यूज करेंगे, पीवी वर्क यूज करके चलेंगे। ठीक, अभी हम नॉन पीवी वर्क को नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, या तो गैस को एक्सपेंड करेंगे या फिर क्या कर रहे होंगे, हम कंप्रेस कर रहे होंगे। तो इसको आप पीवी वर्क और मैकेनिकल वर्क का नाम भी देते हो, कई जगह आपको मैकेनिकल वर्क लिखा हुआ भी मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी इंटरेस्टेड है कौन से वर्क के अंदर, पीवी वर्क के अंदर। तो आओ बात करते हैं पीवी वर्क क्या होता है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और फिर उसको डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, पीवी वर्क को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक साइन कन्वेंशन और डिस्कस कर लूं, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ना, कॉमन साइन कन्वेंशन है। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आप लिख रहे हो वर्क डन बाय द सिस्टम, तो वो हम हमेशा कैसा लेकर चलते हैं, नेगेटिव। और अगर हम बोले वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसको हम लोग कैसा लेकर चलते हैं, पॉजिटिव। तो ये वर्क का साइन कन्वेंशन है। केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये साइन कन्वेंशन वर्क का उल्टा होता है। हीट का कन्वेंशन तो सेम होता है, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर क्या होता है, वर्क का साइन अपोजिट होता है।
वहां पर वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव बोलते हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा, हम इसी कन्वेंशन को यूज करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट हाल फिलहाल आप ये ध्यान रखें वर्क डन बाय द सिस्टम आप कैसा लेकर चलोगे, नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम आप कैसा लेकर चलोगे, हमेशा पॉजिटिव। सही है, चलो तो हम बात करने जा रहे हैं यहां पर पीवी वर्क की। तो पीवी वर्क को डिफाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम एक पिस्टन बनाएंगे, सॉरी सिलेंडर बनाएंगे। उस सिलेंडर में हम क्या लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे। ठीक, और यहां पर क्या फिल करेंगे, गैस फिल करेंगे। ठीक, तो चलो वो भी चीज मैं आपको सिखा दूं फिर ही मैं पीवी वर्क की बात करूंगा। आप देखो ये पिस्टन है, यहां से इस गैस का पिस्टन के ऊपर प्रेशर काम कर रहा होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी गैस। ठीक है, और बताओ इधर से कौन सा प्रेशर काम कर रहा होगा, पी एक्सटर्नल। देखते हैं वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं कि गैस कब कंप्रेस होगी, वो कंडीशन मुझे डिस्कस करनी है, ऑल्दो वो आपको आती है लेकिन मुझे एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है, आप सिर्फ देखते चलो। अब मैं देखो इसके तीन केस बना रहा हूं। केस नंबर वन, इफ पी गैस इज ग्रेटर देन पी एक्सटर्नल, बताओ पिस्टन किधर मूव करेगा। आराम से सोच समझ बोलो, कोई हड़बड़ी नहीं, आउटवर्ड्स राइट साइड मूव करेगा। बताओ राइट साइड मूव करेगा तो गैस का क्या होगा, कंप्रेशन या एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। तो इस केस में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। अब मेरे सवाल का जवाब देना, बताओ ये पिस्टन कब तक मूव करता रहेगा। वेरी गुड, जब तक पी गैस किसके इक्वल नहीं होगा, पी एक्सटर्नल, मतलब जो फाइनल कंडीशन में ये पिस्टन रुकेगा, गैस कब तक एक्सपेंड होगी, जब तक पी गैस और पी एक्सटर्नल दोनों की वैल्यू क्या नहीं हो चुकी है, इक्वल। यानी एट फाइनल कंडीशन ये मैं आपका न्यूमेरिकल बेस तैयार कर रहा हूं, ये चीज हम न्यूमेरिकल्स में यूज क्या करेंगे। फाइनल कंडीशन में बताओ पी गैस और पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, सेम। अब हम जो फॉर्मूला बनाएंगे ना वर्क का, तब भी इसको यूज करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। केस टू, इफ पी गैस इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल है, बताओ क्या होगा, पिस्टन विल नॉट मूव, है ना, क्योंकि कोई फोर्स है नहीं मूव करने के लिए, तो पिस्टन यहीं पर रुका रहेगा, ना तो कोई एक्सपेंशन होगा और ना ही कोई रिपल्शन होगा, तो नो मूवमेंट ऑफ पिस्टन। बेसिकली ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा सिस्टम, किस में आ चुका होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ चुका होगा। चलो बहुत बढ़िया, अब बचा तीसरा केस। तो तीसरा केस क्या है कि अगर पी गैस पी एक्सटर्नल से कम, मतलब पी एक्सटर्नल ज्यादा है, तो बताओ गैस का क्या होगा, कंप्रेशन। लेकिन बताओ कंप्रेशन भी कब तक होगा, जब फाइनल कंडीशन में पी गैस बताओ किसके इक्वल हो चुका होगा, पी एक्सटर्नल के। समझ में आ रही आपको बात, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, फाइनल कंडीशन में जब एक्सपेंशन कंप्लीट हो चुका है, जब कंप्रेशन कंप्लीट हो चुका है, तो पी एक्सटर्नल पी गैस दोबारा से क्या हो चुके होंगे, इक्वल हो चुके होंगे। समझ में आ रही है आपको ये बात। चलो तो अब हम इसके बाद वर्क का फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, तो वो भी हम इसी डायग्राम से कर लेते हैं। चलो अभी हम एक्सपेंशन का केस ले रहे हैं, ठीक है, कि जब एक्सपेंशन हो रहा होगा तो क्या होगा, तो हम एक्सपेंशन ऑफ गैस कंसीडर कर लेते हैं, उसी के लिए हम वर्क का फॉर्मूला लिखेंगे। चलो तो फिर से अपना सिलेंडर और पिस्टन बनाते हैं। ये भी आपकी गैस फील्ड है, इसके अंदर इधर से लग रहा है पी एक्सटर्नल,
इधर से लग रहा है पी गैस। और हम कंडीशन लेकर चल रहे हैं एक्सपेंशन, मतलब जो आपका पी गैस है वो पी एक्सटर्नल से क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलो जी, बहुत ही बढ़िया। तब देखो क्या हो रहा होगा, ये गैस इस पिस्टन के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रही होगी। तो मान लो ये पिस्टन मूव करता है कुछ डिस्टेंस से बाहर की तरफ, मूव करेगा पिस्टन। ठीक, तो मान लो पिस्टन यहां से चलकर यहां पहुंच गया, यहां पहुंचेगा तो बताओ गैस एक्सपेंड होगी, गैस को अब ज्यादा वॉल्यूम मिल चुका है एक्सपेंड होने के लिए। ठीक है, तो मान लो ये गैस इस पिस्टन के ऊपर कुछ एफ फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रही है? एफ। तो इस एफ फोर्स की वजह से इस पिस्टन के अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना? डीएक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना? डीएक्स। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, या ऐसा मान लिखो द गैस टू मूव द पिस्टन बाय dx। ठीक, बताओ वर्क डन कितना होगा? W इज इक्वल्स टू F डॉट dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताओ यहां पर वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम, गैस काम कर रही है ना। बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है? नेगेटिव। तो हम उसके लिए यहां पे क्या करेंगे, पहले से ही नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर। ये केमिस्ट्री का कन्वेंशन है। अब देखो फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में ऐसा होता है कि जिधर ऑपरेटिंग फोर्स लग रहा है, मतलब अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसे हम पॉजिटिव लेकर चलते हैं, और फोर्स के अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम क्या लेकर चलते हैं? नेगेटिव लेकर चलते हैं। तो वहां पर यही होता है, फिर उसमें बोलते हैं गैस काम कर रही है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, तो उसी के डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसलिए फिजिक्स में क्या होता है कि हमेशा मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम को हम लोग कैसा लेकर चलते हैं? पॉजिटिव। तो उनका सिस्टम एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट मतलब जिधर फोर्स की डायरेक्शन में काम हो रहा है तो क्या होगा, उसको वो पॉजिटिव लेकर चलेगा। लेकिन हमारा सिस्टम रिलेटिव है, हम केमिस्ट्री में हमेशा ये मानकर चलते हैं कि वर्क कौन करेगा? सिस्टम। कौन करेगा वर्क? सिस्टम करेगा। ठीक, तो अगर जैसे आप अभी चल रहे हो, अभी सिस्टम वर्क कर रहा है, तो अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो बताओ उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। अगर आप कुछ काम करोगे तो आपकी अपनी एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। तो यहां पर केमिस्ट्री में जो नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि अगर आपका सिस्टम काम करेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक, तो अभी ध्यान रखना रिलेटिव टर्म है यहां पर। हम केमिस्ट्री में हमेशा ये मानकर चलते हैं कि वर्क कौन करेगा? आपका सिस्टम करेगा। नेगेटिव साइन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जब सिस्टम काम कर रहा होगा तो उसकी खुद की एनर्जी को एक्सपेंड करेगा, मतलब एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। जब सिस्टम पर काम होगा तो बताओ सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो उस केस में एनर्जी स्टोर कर रहा होगा, इस केस में एनर्जी क्या कर रहा होगा? एक्सपेंड कर रहा होगा, मतलब एक्सपेंड का मतलब एनर्जी के एक्सपेंस पर वो वर्क कर रहा होगा, एनर्जी को खर्च कर रहा होगा। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये आपको ध्यान रखना होगा, हम वर्क डन बाय द सिस्टम को हमेशा कैसा लेकर चलते हैं? नेगेटिव। एक और चीज बताऊं, जब आप इस फॉर्मूले को चाहे केमिस्ट्री में यूज कर लो चाहे फिजिक्स में, दोनों से आंसर एग्जैक्ट सेम आएगा, वो भी साइन के साथ, उसमें आपको चिंता नहीं करनी है। ठीक है, बट आप ये ध्यान रखें वर्क डन बाय द सिस्टम हम कैसा लेकर चलते हैं? नेगेटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा लेकर चलेंगे? हमेशा पॉजिटिव। तो W इक्वल टू हो गया माइनस एफ डॉट डी एक्स। आप चाहो तो यहां पे लिख देना, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, ठीक है, साइड में लिख लेना दैट एनर्जी ऑफ सिस्टम विल डिक्रीज व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ठीक, फिर आप इसका एक और रीजन दे सकते हो, केमिस्ट्री में हम बाई कन्वेंशन ये मानकर चलते हैं कि वर्क हमेशा कौन करेगा? आपका सिस्टम ही करेगा, इसलिए हम यहां नेगेटिव साइन लेकर चलते हैं। फटाफट से लिख लो कि मैं इसे उड़ाऊंगा, मेरे पास जगह नहीं है लिखने को, लिख लिया। चलो
अब आप देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग और अब मुद्दे की बात पर आते हैं। W इक्वल टू क्या माइनस एफ डॉट डी एक्स, तो हम तो यहाँ पर प्रेशर की बात कर रहे थे, बताओ यहाँ पर वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, पिस्टन के नहीं पी एक्सटर्नल के, इसके अगेंस्ट हो रहा है। अगर ये होता, अगर ये नहीं होता तो होता क्या, गैस को कुछ वर्क करना पड़ता, जब तक ये है तभी तक गैस को वर्क करना पड़ रहा है। तो अभी ध्यान देना यहां पर जो गैस फोर्स लगा रही है वो किसके अगेंस्ट लगा रही है, एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट लगा रही है। तो जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तब भी हम कौन से प्रेशर को काउंट करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को ही काउंट करेंगे। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक। तो अब आप देखो मैं यहां पे फोर्स कैलकुलेट करने जा रहा हूं, बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, प्रेशर इंट, मतलब प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। यहां पर ए क्या है, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, ऑफ पिस्टन ले लो, सिलेंडर ले की बात है, सिलेंडर भी बोल सकते हो पिस्टन भी बोल सकते हो, क्योंकि ये पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो सिलेंडर का है, फिट है बिल्कुल क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो एफ इक्वल टू क्या हो गया, पी डॉट ए, इस वैल्यू को उठा के आप यहां पे रख दो, बताओ डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस एफ सॉरी माइनस पी इंटू ए इंटू डी एक्स, समझ आ रहा है। अब आप फोकस करो इस वाले टर्म के ऊपर, ए इंटू डी एक्स, बताओ ए क्या है, इसका एरिया, डी एक्स क्या है, डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ, बताओ क्या होती है, वॉल्यूम। तो ये जो आपको चीज मिलेगी, ये जिसको मैं रेड से बना रहा हूं, दिस विल बी द चेंज इन वॉल्यूम डीवी, पर जब पिस्टन यहां था तो वॉल्यूम इतना था, जब ये यहां आ गया तो वॉल्यूम इतना बढ़ चुका है, तो ये होगा डीवी, बताओ डीवी की वैल्यू क्या होगी, ए इंटू डी एक्स, ठीक है। अच्छा एक चीज यहां हमने मिस्टेक कर दी, डी एक्स अमाउंट से घूम रहा है तो वर्क भी कितना हो रहा होगा, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू, जब पिस्टन dx डिस्प्लेसमेंट से मूव कर रहा है तो स्मॉल वर्क डन कितना है, dw। यहाँ पे आप dw और लिख देना, बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस पी इंटू dv, कोई डाउट। तो ये मेरे पास स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला बन गया, dw इज इक्वल्स टू माइनस पी इंटू dv। बताओ मैं p की जगह कौन सा प्रेशर यूज करूं, p एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा है, p एक्सटर्नल के अगेंस्ट हो रहा है, तो मैं पे लिखूंगा p एक्सटर्नल इंटू dv। समझ में आता है, कोई डाउट है आपको, ठीक। ये तो क्या आया, स्मॉल वर्क डन आया, बताओ अगर मुझे ओवरऑल वर्क कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसी चीज रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं। तो ये अगर स्मॉल वर्क डन है तो पूरा वर्क कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बताओ कहां से कहां तक, ये था इनिशियल वॉल्यूम वी वन, अल्टीमेटली वो जहां तक जाएगा उस वॉल्यूम तक मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, क्योंकि वेरिएबल कौन है यहां पर, वॉल्यूम, जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम बदलेगा वैसे वैसे वर्क बढ़ता जाएगा। तो आप अगर ओवरऑल वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो तो ओवरऑल वर्क का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज ओवरऑल वर्क डन, बताओ वर्क कैसा फंक्शन है, वर्क कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट करो, बताओ dw को इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगी इसकी ओवरऑल वैल्यू w, और बताओ उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस p एक्सटर्नल इनटू dv फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू v2 होगा। अगर मान लो p एक्सटर्नल वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लूंगा, तब बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। अभी तो ना हमने वर्क का ये बेसिक फॉर्मूला बनाया है, कौन सा फॉर्मूला बनाया है, बेसिक फॉर्मूला। अभी हम दोबारा से इस फॉर्मूले पर आएंगे, आगे चलकर हम दो प्रोसेस डिस्कस करेंगे, एक का नाम है रिवर्सिबल और दूसरे का नाम क्या है, इररिवर्सिबल। वहां पे हम इन दोनों फॉर्मूलेस को और डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अभी हम जिस स्टेज पर हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। तो आज के बाद आपके लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। अगर ये वर्क नेगेटिव आया तो आप क्या बोलोगे,
वर्क डन बाय द सिस्टम, आपको पहले दिमाग लगाना ही नहीं है, आप तो वर्क की वैल्यू निकाल लो साइन के साथ। अगर वो नेगेटिव आया तो आप क्या बोलोगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और अगर वो पॉजिटिव आ गया तो आप क्या बोलोगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। बोले यहां तक समझ में आता है, कोई डाउट है? चलो आप यहां तक कॉपी करो, फिर एक और चीज मुझे आपसे वर्क के बारे में डिस्कस करनी है। चलो देखो, तो हमने वर्क का साइन कन्वेंशन देख लिया, हमने वर्क का फॉर्मूला भी बना लिया कि W इक्वल टू क्या बना है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस पी वन। ठीक है, अब हमारे पास देखो दो सिंपल से केस बन सकते हैं, और ये आप इसको हमेशा ध्यान रखें, अपने बहुत काम में आएगी चीज। पहले मैं बात करता हूं एक्सपेंशन की, और फिर हम बात करेंगे किसकी, कंप्रेशन की। आप मुझे बताओ, जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम, देखो ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, V1 क्या है, मेरा इनिशियल वॉल्यूम है, और V2 क्या है, फाइनल वॉल्यूम। तो जब एक्सपेंशन होगा तो V1 V2 में क्या रिलेशन होगा, फॉर एक्सपेंशन V2 विल बी क्या होगा, ग्रेटर देन V1 होगा। बताओ अगर V2 ग्रेटर देन V1 होगा तो V2 माइनस V1 का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर V2 माइनस V1 का साइन पॉजिटिव होगा तो बताओ वर्क का साइन कैसा आएगा, समझ में आ रहा? बताओ यहां से आपने क्या सीखा? हाँ, वर्क डन बाय सिस्टम तो ही, और क्या सीखा, और कुछ सोचो, और कुछ बोल सकते हो स्टेटमेंट आप यहां से? क्या आप ये नहीं बोल सकते कि एक्सपेंशन का वर्क हमेशा 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 कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन के लिए फाइनल वॉल्यूम इनिशियल ज्यादा आएगा, तो ऑब्वियसली वर्क हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। तो अगर मैंने आपसे बोल दिया एक्सपेंशन वर्क हो रहा है तो आप क्या बोलोगे, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। या फिर आपसे बोल दूं एक्सपेंशन का वर्क हमेशा कैसा होता है, तो आप आंसर क्या दोगे, हमेशा नेगेटिव होता है। तो आप ध्यान रखना, मैं ये स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं, दैट इज एक्सपेंशन वर्क इज ऑलवेज नेगेटिव। हमारे केमिस्ट्री में जब भी एक्सपेंशन होगा हम उसके वर्क को कैसा लेकर चलेंगे, नेगेटिव लेकर चलेंगे। ऐसे ही बताओ जब कंप्रेशन होगा तब क्या होगा, तब सब उल्टा हो जाएगा, तब V2 will be क्या होगा, लेस देन V1। उस केस में V2 माइनस V1 की वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इसका मतलब जब भी एक्सपेंशन होगा वर्क डन कैसा होगा, सॉरी एक्सपेंशन बोल दिया, कंप्रेशन। सो कंप्रेशन वर्क इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो केमिस्ट्री में है ना, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो आप एब्सोल्यूट चलोगे, वहां उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव साइन है। तो मैं उसको अब डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि उस मुद्दे को जितना उठाऊंगा आप उतना ही कंफ्यूज होंगे। तो आप तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री की बात करो, और ये सबसे ज्यादा आपके यूज भी है आएगा, वहां पर थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिया आपने, एक्सपेंशन का वर्क हमेशा नेगेटिव आएगा और कंप्रेशन का वर्क हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देखो हमने तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस कर लिए, हीट, वर्क और इंटरनल एनर्जी। सिंस इंटरनल एनर्जी हो तो एनर्जी है, हीट और वर्क क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो सभी एनर्जीज हैं। तो इन सबकी यूनिट्स क्या होती है, सेम। इन सब की यूनिट्स क्या होगी, सेम। तो अभी नेक्स्ट हमको इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है, दैट इज यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जो यूनिट्स आप इस चैप्टर के अंदर काम में लेने वाले हो। ठीक, तो एक तो आप जानते ही हो SI यूनिट, बताओ SI यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल। तो कोई बताने की जरूरत है ही नहीं अपने को। उसके अलावा अर्ग भी एक यूनिट होती है जो सीजीए सिस्टम में होती है, अर्ग, है ना। और शायद आप जानते हो कि 1 जूल इक्वल टू कितना होता है, 10^7 अर्ग होता है शायद, है ना, 1 जूल इक्वल टू 10^7 अर्ग होता है। चलो ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट से मिलवाऊं जो आपके यहां केमिस्ट्री में काम में आएगी, दैट इज कॉल्ड एटीएम इंटू लीटर। क्या बोलता हूं इसको, ATM into liter। ये unit कैसे आई? ये unit आई work से। बताओ work का formula आपने क्या पढ़ा है? Minus P delta V।
तो वर्क की यूनिट और एनर्जी की यूनिट सेम होगी। बताओ अगर मैं प्रेशर को एटीएम में ले लूं और वॉल्यूम को लीटर में ले लूं, तो बताओ ये यूनिट क्या बन जाएगी, एटीएम इंटू लीटर। तो ये वर्क के फॉर्मूले से एनर्जी एक और यूनिट आई एनर्जी की, दैट इज एटीएम इंटू लीटर। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम्स आपके यही काम में आएगी। ध्यान रखना 1 ATM इंटू लीटर इज इक्वल्स टू 101.3 जूल। किसके इक्वल होता है, 101.3 जूल के इक्वल होता है। जोड़ा दो। नेक्स्ट, प्रेशर की एक यूनिट होती है बार, सुना है, और 1 ATM और बार में रिलेशन भी शायद आपको पता हो, 1 ATM इक्वल टू कितना होता है, 1.013 बार। तो कभी कभी आपके एक और यूनिट काम में आती है, दैट इज बार इंटू लीटर। ठीक, तो 1 bar इंटू लीटर जो होता है वो 100 जूल के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 100 जूल के इक्वल होता है। कन्वर्ट कैसे करना है, यहां एटीएम की जगह 1.013 बार लिख दो, इसको आप 1.013 से डिवाइड करोगे, अपने आप क्या बन जाएगा, 100 जूल बन जाएगा। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको यहां पर ध्यान रखनी है। तीसरी, एनर्जी की एक और यूनिट होती है, बहुत बार सुनी है आपने, सुनिए ना, बताओ 1 calorie इज इक्वल टू कितना जूल होता है, 4.18, या फिर हम उसे क्या लिख लेते हैं, 4.2 होगा। तो बताओ 1 joule इक्वल टू कितना होगा, 1/4.2। तो आप 1 ATM इंटू लीटर को क्या करते हो, कैलोरीज से भी रिलेट कर सकते हो, दैट वुड बी अराउंड 24.3 कैलोरीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, मैक्सिमम टाइम्स काम में आएगी, 1 ATM इंटू लीटर कितना होता है, 101.3 जूल के इक्वल होता है, और अगर बार इंटू लीटर है तो वो किसके इक्वल होगा, 100 जूल के इक्वल होगा। क्लियर, कॉपी करो। चलो, तो ये आपके पास यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, यहाँ छोटा सा करेक्शन कर लें, 24.2 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, हम 4.2 से डिवाइड करके 4.18 से डिवाइड करते हैं तो फिर वो 24.3 आता है। तो टेंशन मत लेना, 24.2 से 24.3 कोई भी वैल्यू यूज कर लो, आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस आपका नहीं आने वाला है। तो अब आज के लेक्चर को हम यहीं पे रोक लेते हैं। आज हमने फिर से कुछ नए इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन किए, थोड़ा सा अपने लेक्चर को हम समराइज कर देते हैं, क्योंकि आज आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी है, लेकिन पूरे लेक्चर में जितना कुछ आपने पढ़ा उसमें से याद रखने का बहुत ही कम है। क्या क्या है, बहुत कम बताओ। सबसे पहले आपने सीखा आज कि एक रियल गैस के लिए हम डेल यू बाय डेल वी का साइन निकालते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे। बताओ ये कब पॉजिटिव होता है, जब अट्रैक्शंस डोमिनेट करते हैं। ये कब नेगेटिव होता है, जब रिपल्शंस डोमिनेट करते हैं। खत्म, इतना से याद रखना है, चाहे एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, अगर अट्रैक्शंस डोमिनेट कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव आएगा, और रिपल्शंस डोमिनेट कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आएगा। उसके अलावा इसके अलावा हमने किसको डिफाइन किया था, हीट को, क्यू। तो हीट में हम लोगों ने क्या सीखा मेनली, मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई थी आपको हीट से जस्ट पहले, क्यूवी। व्हाट इज क्यूवी, क्यूवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू के इक्वल होता है। मतलब किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एक्सचेंज होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। उसके बाद हमने बात की थी हीट की क्यू, तो हीट में हमने मेन चीज़ें सीखी हुई है, साइन कन्वेंशन, हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम कैसी होती है नेगेटिव, और हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम कैसी होती है पॉजिटिव। फिर हमने बात की वर्क की, तो वर्क मेनली दो तरह का होता है, एक पीवी वर्क और दूसरा क्या होता है, नॉन पीवी वर्क। अभी हम कौन से वर्क से डील कर रहे हैं, पीवी वर्क से। बताओ पीवी वर्क का फॉर्मूला, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस, खत्म। मैंने आपसे क्या बोला, पूरा लेक्चर याद नहीं रखना होता है, ये नहीं काम की चीज, इतनी सी साइन कन्वेंशन बताएं, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। दूसरी केस, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव, और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। समझ में आई। और तीसरी चीज यूनिट्स, तो बताओ 1 ATM इंटू लीटर कितने जूल के बराबर होता है,
101.3 दिख रहा होगा अभी तो फ्रेम के अंदर ही है, और 24.2 कैलोरीज भी आप इसे बोल सकते हो, और 1 बार इंटू लीटर किसके होता है 100 जूल के इक्वल होता है। चलो तो मैंने जब आपसे कहा था कि हमारे 2-3 लेक्चर बेसिक टर्म्स को डिफाइन करने के अंदर निकल जाएंगे, तो निकल चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसकी बात करेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जहां पर हम जीरोथ लॉ डिस्कस करेंगे, फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे। फर्स्ट लॉ के बाद फिर हम दोबारा से आएंगे प्रोसेस को डिफाइन करने में। हमारे पास तरह तरह के प्रोसेस होते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, सुना होगा नाम आपने, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर उनको एनालाइज करके न्यूमेरिकल्स के अंदर वापस से एंटर कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं।